गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने गंगा दौड़ का किया आयोजन। जिलाधिकारी राजशेखर सहित प्रशासन व अन्य नागरिकों ने लगाई दौड़ गंगा को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए। स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार की दोनों के संयुक्त प्रयास से यह चलता है, जिसके तहत गंगा जी जिन जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वहाँ के लोगों को ये प्रेरणा दिया जाता है कि मोटिवेट किया जाता है गंगा जी को स्वच्छ रखे और निर्मल रखे और जल उनके जो है धाराएं हमेशा बहती रहे। उसी के उद्देश्य जो इलाहाबाद में कुछ सालों से ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें इतने कड़ाके के ठंड होते हुए भी हज़ारों लोग, इसमें से आप मान के चलिए कि 2 साल से बच्चों से लेकर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग तक भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। आज इस अद्भुत कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हम लोग के बीच में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी पी सिंह साहब है और उसके अतिरिक्त भारत सरकार की टीम भी हम लोगों के साथ है और बहुत सारे यहाँ पे NGOs है जो गंगा को स्वच्छ रखने में दशकों से काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ मीडिया का भी एक अच्छा इसमें एक्टिवेट रोल रहता है और माननीय उच्च न्यायालय के भी जो है बहुत सारे ऐसे आदेश है कि क्लीन गंगा को स्वच्छ रखने का और निर्मल रखने का, उसी के अभियान के तहत ये किया गया है और ये उत्साह जो है देखने लायक है आज का उत्साह। थैंक यू।